और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्हें दो बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन करने का मौका मिला। बहुत बिरले लोग ऐसे हैं, विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे लोग जिनको अमेरिका में यह सम्मान मिला, 21 तोपों की सलामी मिली, और जब संसद के संयुक्त सत्र को माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो 79 बार तालियां बजी और 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ। यह सम्मान सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। वो क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों ने वह शक्ति उन्हें दी है जो स्पष्ट बहुमत की निर्णायक सरकार दी है। उस कारण से भारत आज उस स्थिति में जाकर वहां पर दिखा पाया है कि पूरे विश्व में क्या दिखाई पड़ रहा है। आप याद करिए, उससे पहले पूरब की तरफ देखिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मोदी इज द बॉस, और पापुआ न्यूगिनी के प्राइम मिनिस्टर ने उनके पांव छुए। हमें याद आता, मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि वो एक पाकिस्तान का व्यक्ति बोल रहा है अपने हालात को देख के, उसको पापुआ न्यूगिनी नाम नहीं याद आ रहा, कह रहा है वो कौन सा मुल्क है जिसके वजीर आजम ने मोदी के पांव छू लिए। तो एंकर उससे कहता पापुआ न्यूगिनी, कहता अच्छा हाँ पापुआ है, पापुआ शायद। फिर कहता बताइए साहब, वो पापुआ का प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इनके पैर छू रहा, पांव छू रहा है, और एक हमारा वजीर आजम है दुनिया में जगह जगह जाके पांव पकड़ रहा, हमारे कोई पैसे नहीं दे रहा कि हमको मुक्ति मिल जाए। फिर आप देखिए, और तो और अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने जो मोदी जी की प्रशंसा की है, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारे देश के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी मोदी जी की तारीफ की है। मगर क्या बताएं, उनको अब भारत यानी जो उनका ददियाल है वो भी समझ में नहीं आता, और जो उनका ननिहाल है इटली वहां का भी प्रशंसा समझ में नहीं आती। अब किसी का दिमाग ऐसा हो जाए, ऐसा बेहाल और बदहाल दिमाग हो जाए तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। परंतु मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस स्थिति में पहुंचा है, और आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो इस यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण डील्स हुई, जिनमें क्या था कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए। हमारी सरकार आने से पहले हम दुनिया के दूसरे बड़े कंज्यूमर थे, क्योंकि तब हम आबादी में दूसरे नंबर पे थे, अब तो पहले नंबर पे आ गए हैं, सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे। पर आपको पता है कि इस देश में मोबाइल बनाने की फैक्ट्रियां कितनी थी? केवल दो, अब 240 है। अब हम सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी हो गए हैं, और आज यह हाई एंड फोन एप्पल है, आईफोन 14 जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, उसके 25% आईफोन भारत में असेंबल्ड हुए हैं और वो फैक्ट्री चाइना से शिफ्ट होकर आई है। $2 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। दुनिया में मोबाइल बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री सैमसंग की, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री दिल्ली के पास नोएडा में है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम थी, सेमीकंडक्टर चिप हमारे पास नहीं थी। तो अब मोदी जी की इस यात्रा से सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैक्ट्री भारत में बनने जा रही है, जिससे हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। हमारे यहां उच्च स्तर के लड़ाकू जहाजों के चेसिस तो बनता था, बॉडी पार्ट्स एवियोनिक पार्ट्स बनते थे, पर जो इंजन होता है कि उसमें बहुत हाई प्रिसीजन क्वालिटी चाहिए और उसकी मेटलर्जिकल क्वालिटी भी बहुत हाई लेवल की चाहिए, वो नहीं बनते थे। तो अब जी कंपनी के साथ करार हुआ है, भारत में लड़ाकू जहाजों के अब इंजन भी बनना शुरू होंगे। और आपने देखा होगा प्रीडेटर ड्रोन, ये बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है जो बहुत ऊंचाई तक जाके बहुत सी जानकारी ले सकते हैं, चीन की सीमा पर सुरक्षा हो या पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा, उसमें प्रीडेटर ड्रोन का बड़ा भारी रोल होगा। और अब तो ये आर्म्स एंड एमुनेशन से भी लैस किए जा सकते हैं। वो प्रीडेटर ड्रोन भारत को देने का अमेरिका ने निर्णय लिया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारत नेटो के बाहर का इकलौता देश है जिसको अमेरिका ने यह टेक्नोलॉजी देने का निर्णय लिया है। तो आप सोचिए कि किस प्रकार की भारत की रक्षा, भारत की समृद्धि। और गूगल कंपनी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सेंटर फिनटेक सिटी अहमदाबाद में खोलने जा रही है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट तो अकेले गूगल भारत में करने जा रहा है, यानी इतनी बड़ी बड़ी समृद्धि और सुरक्षा की व्यवस्थाएं प्रधानमंत्री जी करके आ रहे हैं सात समुंदर पार से, भारत के लिए बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील करके आ रहे हैं। उसमें भी क्या महत्वपूर्ण बात है, ये सारी डिफेंस डील हम अमेरिका से कब करने में सफल हुए? जबकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है कि उससे कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 1.966 मिलियन बैरल हमने इंपोर्ट किया है पिछले महीने। इसके बावजूद
आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस स्थिति में हैं कि रशिया कहता है कि इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, भारत तो हमारा पारंपरिक सहयोगी है, और अमेरिका कहता है इंडिया इज अवर स्ट्रेटजिक एलाई, भारत हमारा रणनीतिक सहयोगी है। विश्व में ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित करने वाले मोदी जी ऐसे नेता बने जो न भूतो न भविष्य थी। तो उन्होंने कई डिफेंस डील की भारत की रक्षा के लिए, मगर आपने देखा वहीं एक दूसरी डिफेंस डील भी तीन दिन पहले आपने देखी, दो दिन पहले कहां, पटना में, वो भी एक डिफेंस डील हो रही थी। वो किस किस के बीच में हो रही थी? एक कोयला घोटाले वाले, एक शराब घोटाले वाले, एक भर्ती घोटाले वाली बुआ जी, और वो किसकी अध्यक्षता में बैठे थे? चारा घोटाले वाले की। तो अपने अपने गुनाहों का डिफेंस करने के लिए, अपने अपने घोटालों का डिफेंस करने के लिए वो सब भी एक डील कर रहे थे। तो आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत की रक्षा की डिफेंस डील हो रही थी, एक मजबूत शक्तिशाली भारत, और दूसरी तरफ अपने गुनाहों, घोटालों और भ्रष्टाचार की रक्षा की वो डिफेंस डील जिसमें एक मजबूर भारत दिखाई पड़े ताकि उसमें से अपना अपना हिस्सा लिया जा सके। ये भी एक जमीन आसमान का अंतर पूरे देश ने देखा। परंतु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन यह आया कि स्वतंत्रता के बाद केवल वो 6 वर्ष आप अटल जी का दौर छोड़ दें तो कभी ईमानदारी से देश के गरीब, निर्धन, वंचित तबकों के हाथ में सत्ता की वास्तविक शक्ति का उजाला पहुंचे वह प्रयास नहीं हुआ। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो ईमानदारी से कह रहा हूं, जिन लोगों ने कहा उन्होंने केवल जुमले और नारेबाजी की, क्योंकि इंदिरा जी ने 1970 में नारा दिया गरीबी हटाओ, और 2013 में कांग्रेस सरकार कहती है कि हम खाद्य सुरक्षा बिल ला रहे हैं, 43 साल में 37 साल उन्हीं की सरकार रही थी। यानी यह दर्शाता है कि ईमानदारी से काम नहीं हुआ, अन्यथा 37 साल में आप नहीं कर पाए। दूसरी तरफ देश को विकास की जिस ऊंचाई पर, जिस गति से ले जाना चाहिए था, जो पोटेंशियल भारत में था, जो देश हमारे साथ स्वतंत्र हुए थे 1947 के आसपास, सोचिए वो कहां से कहां पहुंचे। जर्मनी, डिवाइडेड जर्मनी, स्क्वांडर्ड वेस्ट और ईस्ट जर्मनी कहां पहुंचा? जापान तबाह हो गया था नागासाकी हिरोशिमा में, जापान कहां पर पहुंचा? इसराइल जैसा छोटा सा देश, वो 1948 में 15 मई को बना, वो कहां पहुंचा? चाइना 1949 में आया, वो कहां पहुंचा? उसके मुकाबले हम कहां थे 2014 से पहले? तीसरी बात, हम एक ऐसे देश थे जिसके अंदर आत्मगौरव का बोध ही नहीं था। हम सदैव पुरानी चीजों को ही दिमाग में लिए हुए थे, और वो बातें किस प्रकार की थी मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, और 18 मई 2014 को लंदन से प्रकाशित होने वाले संडे गार्डियन अखबार में, लंदन का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि जो लोग आजकल लोकतंत्र और सब की बात करते हैं थोड़ा वो इंग्लैंड अमेरिका का ज्यादा उल्लेख करते हैं, तो वो जैसे एक लाइन और कह दूं, वो लोग हम लोगों से बहुत आरोप लगाते हैं कि साहब वो अजब संघ के बारे में पूछते हैं स्वतंत्रता के समय। तो हमने कहा जी हम तो 51 में भारतीय जनसंघ बना था, 80 में भाजपा, तो 51 से आप पूछ सकते? नहीं नहीं नहीं, आपका मात्र संगठन तो संघ है। हमने कहा हां जी ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर हमारा मात्र संगठन संघ है तो जब कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई, उसको स्थापित करने वाला एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, तो आपका मात्र संगठन तो अंग्रेज सरकार है। इसलिए मैं अंग्रेजों का ही अखबार कोट कर रहा हूं, संडे गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा कि 18 मई 2014 को लिखा कि 16th of May 2014, यानी जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, शुड बी रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एट इट्स सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वो स्पीच थी जो 14-15 अगस्त की रात को नेहरू जी ने दिया था आजादी के समय, यह नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन था। और आगे वो लिखता है